24 मार्च से हमने बंद किए थे, अब तक बंद ही हैं। ये भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के व्यापार पे हमने ये शुरू किया है। हाँ हाँ, इनका रिस्ट्रक्शन एक नहीं है, कई बहुत ज़्यादा हैं इसमें। एक तो पहले सारा सैनिटाइजेशन का, इसके लिए मास्क जरूरी है, इनके लिए ग्लव जरूरी है, और ये 2 गज की दूरी मीन्स 5 फुट का कम से कम गैप होना चाहिए एक प्लेयर के आपसे। इस हिसाब से हमने ये मार्क भी करके उस हिसाब से ये आएंगे प्लेयर, कच्चे कोई नहीं आएंगे। इवन एक्सरसाइज भी करनी है तब भी ये ऐसी 2 गज की दूरी होगी। जितने भी सेंटर आज शुरू हो रहे हैं सारे प्रॉपरली सैनिटाइज कराए हमने टोटली, और ऐसी जैसा देखो उनका स्कैन हो रहा है, पहले थर्मल स्कैन होना है, ऐसी दूरी बना के रखना है, इनको मार्क करके हमने पूरे सारे इसमें इनको एक बकायदा इनको परफॉर्मेंस दे दिए हमने, सारे पेरेंट्स के भी साइन होने, उसे बच्चों के भी होने हैं, बकायदा इनका पूरा चेकअप होके फिर एंट्री है। 4 कोर्ट है तो 8 प्लेयर अलाउड है उसमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट गेम नहीं है इसमें, सिर्फ इंडिविजुअल गेम है। उसी में हम इस हिसाब से हमने जैसे एथलेटिक्स शुरू करी है, आर्चरी करी है, बैडमिंटन करी है, टेबल टेनिस करी है और वेट लिफ्टिंग करी है। कोच मैनेजर को इंस्ट्रक्ट कर दिया, उनको गाइडलाइंस दे दी, SOP हैं कम से कम 5 पेज की हैं, वो सारी फॉलो करेंगे, उस हिसाब से ही इनको एंट्री होगी बच्चों के, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर पाएगा जो उसमें फॉलो नहीं करेगा। ट्यूजडे से 20 प्लेयर सुबह और 20 प्लेयर शाम को, एलीट प्लेयर ओनली जो कम्पिटिटिव हैं, 40 प्लेयर टोटल पर डे खिलाएंगे, 2-2.5 घंटे के सेशन। तो मजबूरी है क्योंकि कर्फ्यू लगा, तो सुबह 7:15 एंट्री होगी और 9:30 तक, और शाम को 4:15 एंट्री होगी और 6:30 तक।